अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी रेसिपी है ग्रीन चिकन, जो कि उमूमन हैदराबादी शादियों में बनाया जाता है और सबको बहुत पसंद आता है। इसके लिए हम लेंगे 500 ग्राम चिकन और इसमें ऐड करेंगे नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, यहाँ मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और यहाँ मेरे पास है मुट्ठी भर कोथमीर, मुट्ठी भर पुदीना और 6 से 8 हरी मिर्च। इन्हें हम पीस लेंगे। और ये है कोथमीर, पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट, इसे हम चिकन में डाल देंगे। और डालेंगे चुटकी भर हरा कलर, ये ऑप्शनल है। और हम लेंगे 12 से 15 काजू और 12 से 15 बादाम, इन्हें हमें पीस लेना है और इसका पेस्ट भी हम चिकन में डाल देंगे। और अब हम डालेंगे 1 लीमू का जूस और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। चिकन पूरी तरह से कोट हो जाना चाहिए। और यहाँ मेरे पास है तली हुई प्याज, ये 2 मीडियम साइज प्याज को मैंने तल लिया है, इसे भी हम चिकन में डाल देंगे और इन्हें मिक्स कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स हमें मैरिनेशन में ही डालने हैं। और अब हम डालेंगे 150 ग्राम दही और दही को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, एकदम शादियों वाला फ्लेवर आता है चिकन में। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मैरिनेशन एकदम रेडी है। इसे हमें मैरिनेट होने देना है 1/2 घंटे तक। एक कढ़ाई या भगोने में हम गरम करेंगे 4 टेबलस्पून तेल। जब तेल गरम हो जाए तो इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन को हम 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे तेल में। ये बहुत आसान रेसिपी है क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स मैरिनेशन में चले जाते हैं और बाद में हमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना होता है। चिकन को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 ग्लास पानी, पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि दही का पानी भी छूटेगा। इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम कढ़ाई को कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे 10 से 12 मिनट तक। बीच बीच में आप चाहें तो स्टर भी कर सकते हैं 1-2 बार। 12 मिनट बाद हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है और जो एक्सेस वाटर था वो भी अब्सॉर्ब हो गया है। बहुत ही रिच और क्रीमी ग्रेवी रेडी है हमारी। अब हम इसे 2 मिनट तक सिम होने देंगे ताकि तेल अच्छे से रिलीज़ हो जाए। अब ये तेल सेपरेट हो चुका है, हमारा ग्रीन चिकन एकदम रेडी है। इसे हम सर्व कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए न्यू और आसान रेसिपीज़ के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। आप देख सकते हैं एकदम शादियों वाला ग्रीन चिकन रेडी है। आप इसे चपाती या रुमाली रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी ये चिकन ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।